नमस्कार, मैं अजीत आप सभी का फर्राटा न्यूज़ 24 पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और इस समय हमारी मौजूदगी अंबेडकर नगर के जाना माना बाज़ार है मालीपुर बाज़ार, और बगल में मालीपुर रेलवे स्टेशन भी है। और यहां पर आप देख सकते हैं वरिष्ठ जन है, युवा वर्ग है, और यहां पर आइए चुनाव को लेकर इनकी क्या राय है, क्या मुद्दे हैं जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है श्रीमान आपका? शैलेंद्र सिंह। शैलेंद्र सिंह जी, इस बार क्या लग रहा है माहौल अंबेडकर नगर में? भाजपा सपा बसपा यह लड़ाई तो बहुत टक्कर की है दोनों लोगों में, एकदम जम के है। हार जीत जो है 5-10 हजार वोट से होगा। अच्छा, अंबेडकर नगर में 5-10 हजार? बस इतने मार्जिन रहेगा? नहीं होगा। हाँ, इतने मार्जिन रहेगा? बस मार्जिन इतना ही रहेगी। लोग कह रहे हैं लाख दो लाख का, लाख दो लाख का होगा, 5-10 हजार के अंतर से ही हार जीत होगी यहाँ पर। अच्छा अच्छा, भाजपा और सपा का। अच्छा, तो ये बताइए आप किसकी तरफ लहर है, हवा किसकी तरफ है? अब 5-10 हजार में किसकी लहर आप बता पाएंगे? लहर तो दोनों लोगों की। आपकी क्या विचारधारा है, आपका क्या मत है? मत हमारा यही है भाई, जिसे मौजूदा जो जब वोट देने जाएंगे मन में क्या मुद्दा रहेगा, कमल की तरफ करेंगे कि साइकिल की तरफ, क्या मुद्दा रहेगा? करीब महंगाई है कि बेरोजगारी है, फिर राम मंदिर, क्या मुद्दा मन में? क्या राम मंदिर तो बन गया, मुद्दा मन में क्या रहेगा? राम मंदिर का काम तो बढ़िया किया सरकार ने, ठीक है। बाकी जो है महंगाई तो है, महंगाई सबके ऊपर है। महंगाई खत्म होगी कभी? कभी नहीं खत्म होगी, किसी की सरकार आ जाए। बेरोजगारी है? बेरोजगारी तो इतनी जबरदस्त है ना, ये तो जब से इनकी सरकार है बीजेपी की कोई वैकेंसी आई भी नहीं, यूपी में वैकेंसी नहीं आई है। कोर्ट में जाते नहीं, जो आर ओ आर ओ की आई, यूपीपी की आई, वो सब रद्द हो गया। परीक्षा लीक हो जाती है, पता नहीं क्या शासन व्यवस्था है इनकी। भाई जो शिक्षा माफिया है इनके ऊपर क्या नकेल नहीं कसा जा सकता? जैसे माफियाओं को आपने कब्जे में कर लिया, तो क्या ये शिक्षा माफियों के ऊपर नहीं कब्जा कर सकते हैं, मतलब कि इनका नकेल कर सकें? संसद में नया कानून पास हुआ है, अगर कोई नकल माफिया नकल करवाता है तो 1 करोड़ रुपए जुर्माना। पकड़े तो गए, कहां हुआ जुर्माना? पकड़े तो गए, जुर्माना हुआ। कानून बनाने से क्या फायदा? कानून तो बना है लेकिन पकड़े भी गए, यूपीपी में पकड़े गए, आर ओ आर ओ में पकड़े गए, क्या जुर्माना उनके ऊपर लगा? गिरोह पकड़े गए, उनके ऊपर जेल में डाल दिए, जुर्माना अभी तक कहीं पेपर में निकला कहा जुर्माना लगा? या कहे थे मकान गिरवा देंगे, बुलडोजर चलवा देंगे, चलवाया उन्होंने? नहीं चलवाया। तो क्या मुद्दा है आपका? क्या मुद्दा तो ठीक है, बस यही है कि हम लोग बीजेपी से हैं, बीजेपी को वोट करेंगे। अच्छा, हाँ, तो देख सकते हैं अभी जितने लोग मिले हैं उनमें खोल कर इन्होंने बताया कि बीजेपी कोट करेंगे। हाँ भाई, खुल के बता रहे हैं बीजेपी कोट करेंगे। अच्छा, हाँ, क्यों बीजेपी कोट करेंगे अब बता दीजिए? अभी महंगाई बेरोजगारी चिल्ला रहे थे आप। महंगाई बेरोजगारी है लेकिन शासन व्यवस्था नंबर एक की है, नंबर एक की व्यवस्था शासन व्यवस्था। अच्छा, हाँ जी, माफिया राज खत्म है जी, जितने माफिया राज भग चुके हैं, माफिया राज खत्म हो गया है। अरे लगभग खत्म है, बहुत माफिया सब जो रोड पर टहल रहे थे, आज जिन लड़कियों की इज्जत टूट रही है, किसी लड़की की इज्जत टूटी जा रही है। जी, धन्यवाद। क्या नाम श्रीमान आपका? राजेश यादव। यादव जी, क्या लगता है इस बार अंबेडकर में बदलाव होगा या फिर वही पुरानी बात? देखिए, बदलाव होने का चांस है, बदलाव होने का चांस है। बदलाव किन मुद्दों पर होगा? अब मुद्दा यही है, सब महंगाई है, पेपर लीक है, बेरोजगारी इतनी तेज है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, पार्टीवाद और कुछ ऐसा कुछ नहीं। बदलाव हो सकता है लेकिन एकदम वही बस कांटे पर, 2-4-6-10 हजार बस, बस इतने। दिल में क्या है आपकी? दिल में क्या है भाई, देखिए दोनों पार्टियां अपने आप में परिपक्व हैं, ऐसी बात नहीं, दोनों लड़ाकू हैं, अपने आप में दोनों बेजोड़ हैं। भाई मौके पर नसीब किसका है, कहाँ जाता है वो अलग बात है, लेकिन दोनों लड़ाकू हैं और लड़ रहे हैं दोनों। नसीब तो जनता बनाएगी ना, जनता बना रही है, बराबर लड़ाई है उन लोगों की, 10-5 हजार से वोट इधर उधर होगा। अच्छा अच्छा, बिल्कुल। ईवीएम से कोई दिक्कत नहीं आपको? ईवीएम से कोई परेशानी? लोग तमाम प्रचार कर रहे हैं कि ईवीएम में चोरी हो रही है, क्या हो रही है, हम लोग तो जान नहीं रहे हैं कहाँ ईवीएम में कैसे चोरी हो रही है। अब उनकी व्यवस्था है, अब लोग बता रहे हैं कहाँ चोरी हो रही है, अब इलेक्शन हो और उस बार तो इलेक्शन ईवीएम से हुआ था तो यहाँ तमाम सीट, हाँ इस बार भी हो रहा है, तमाम सीटें यहाँ की निकली थी, तो हो सकता है भाजपा 5 सीट यहाँ जो विधानसभा की हैं सपा के खाते में गई है, तो इस बार क्या सपा फिर जीतेगी? बिल्कुल जीतेगी, सपा जीत रही है, जीत रही है इस बार, जीतेगी। अच्छा अच्छा, इशारा कर दिया आपने। हाँ हाँ, तो देख सकते हैं यहाँ पर 2 व्यक्तियों ने इशारा किया है सपा की तरफ और इन्होंने जो है भाजपा की तरफ। अब इधर दिखाइए आप, जो 3 व्यक्ति हैं इन्होंने
मुद्दों के जरिए बताया है किसकी तरफ इनका इशारा है। समझने वालों को इशारा ही काफी होता है। अरुण कुमार वर्मा जी एक किसकी तरफ जाएंगे? हम तो लालजी वर्मा के साथ, साइकिल के साथ। अच्छा, जातिवाद है कि विकासवाद? नहीं नहीं, विकास पे वोट करेंगे। रोजगार? रोजगार है, भ्रष्टाचार क्या मुद्दा है? रोजगार मेन मुद्दा है, भ्रष्टाचार तो है ही है इस सरकार में। तो हम लोग रोजगार पे और महंगाई पे वोट करेंगे। अच्छा अच्छा, ये बताइए रितेश पांडे जी एक युवा नेता हैं, इनकी भी छवि अच्छी है, तो क्यों ना इनको भी मौका दिया जाए? ये तो मौका इसके पहले पा चुके हैं। अच्छा, कोई विकास नहीं हुआ है इस जिले में। गोरखपुर लेन का एक्सप्रेस वे बन रहा है, तो उन करो की आवाज संसद में उठाते हैं, जो जाम होता है सड़क के वहाँ कुछ आवाज संसद में उठाते हैं। आप लोग काम बताइए, कहाँ इनका काम कहाँ दिख रहा है? काम नहीं दिख रहा है भाई, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। जो रोड बना हुआ है, अगर अम्बेडकर नगर में कोई भी काम होगा तो इनका सहयोग के बिना नहीं हो पाएगा। अरे ये तो बहुजन समाज पार्टी के इसके पूर्व ना, कोई मतलब नहीं, सहयोग तो करेंगे ही। इनका क्या सहयोग, इनका सहयोग कहीं आप लोग बता दीजिए। हाँ, कहीं सहयोग इनका हो रहा हो? अच्छा, वर्मा जी का सहयोग बताइए आप। हाँ, वर्मा जी ने हम मेडिकल कॉलेज PGI यहाँ दिया। वो तो बसपा में थे ना? बसपा में बात करिए, वर्तमान में वो समाजवादी पार्टी में है। हाँ, तो वर्तमान में अभी भाजपा में है। हाँ, तो अब वो तो समय बताएगा ना, हर कोई कर रहा इस पार्टी से उस पार्टी। समय बताएगा कौन कौन विकास करेगा, कौन नहीं करेगा, तो समय बताएगा ना। एक परिवर्तन है, युवा है, युवा के साथ जाएंगे कि बुजुर्ग के साथ जाएंगे? लालजी वर्मा की उम्र हो चुकी है। अरे इससे क्या मतलब होता है? हाँ भैया, हाँ सही कह रहे हैं, मोदी 72 साल के हैं। हाँ, लेकिन लोग मोदी जी को प्रधानमंत्री बना रहे हैं। हाँ, क्यों बना रहे हैं? युवा कुछ पसंद आता होगा, राहुल गांधी को बनाना चाहिए ना प्रधानमंत्री। उस हिसाब से युवा की बात करें तो युवा, अगर युवा देख रहे हैं तो राहुल गांधी को बनाना चाहिए। लेकिन बन नहीं पा रहे हैं? बनेंगे, अब की बार बनेंगे, निश्चित बन जाएंगे। हाँ, गठबंधन की बात है, गठबंधन की सरकार बनेगी। अच्छा, तो वर्मा जी ने सीधे यहीं से अम्बेडकर नगर से खुलासा कर दिया डायरेक्ट दिल्ली तक? हाँ, गठबंधन की सरकार बनेगी केंद्र में। अच्छा, तो जो 400 पार की नारा दे रही भाजपा, ये सब क्या है? अब की बार 400 हार है। अच्छा, ये गलत है। अब की बार 400 हार। हाँ, पेट्रोल 100 के पार। हाँ, पेट्रोल तो, हाँ पेट्रोल भी 400 पार। और गैस सिलेंडर 2000 के पार? तो वो तो हो ही जाएगा। अच्छा, 1000 के पार। हाँ, अच्छा, अगर यही सरकार रही तो। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या नाम श्रीमान आपका? जय मगन यादव। जय मगन यादव। हाँ, तो यादव जी आप बताइए इस बार किसे जिता रहे हैं अम्बेडकर नगर में आप? यह समय इतनी बढ़िया आदमी बैठन, अनुभवीशील और ईमानदार व्यक्ति, बेदाग छवि, लाल जी वर्मा के अलावा क्यों जीते उते न? ये चोर चंडाल भागा यहाँ से। अच्छा, हाँ, चोर चंडाल कौन? हाँ, अरे वह जान ले भाजपा वाले, और कौन? चोर चंडाल और का? क्या चोरी किए? अरे बहुत कुछ चोरी के हैं। क्या चोरी किए? शिक्षा चोरी के हैं। अच्छा, और क्या? स्वास्थ्य चोरी के हैं। अच्छा, और क्या? और एक बात, रोजगार ना संविधान खतरे में बा। अच्छा अच्छा, हाँ संविधान खतरे में। जवन कहा था बुनकर का आवाज उठान, उनका आवाज उठान, हमारे सब वहाँ लाइया के है। अच्छा। अगर वह बनावे जानी था तो बिगड़ाऊ जानी था। क्या बात है, हाँ बिगड़ा देंगे इस बार बिल्कुल। हाँ। अब की बार उनका क्यों नावे ना ले चाह, तो उनका पैसा सिर्फ उनका जो है जय श्री राम बोला हो तो अब